हेलो बच्चों, आज आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो जो एनिमल्स चार्ट होते हैं, एनिमल्स चार्ट है, जानवरों का जो चार्ट है उस पर बेस है। आपको यहाँ पर जो चार्ट है उसमें बहुत सारी एनिमल्स की पिक्चर्स दिखेंगी और साथ में उनके नेम, उनकी स्पेलिंग और उनको इंग्लिश हिंदी दोनों नेम क्या होते हैं उनके, इस तरीके से आप ये चार्ट के थ्रू वो सब सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए एनिमल्स चार्ट, इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, वुल्फ मीन्स भेड़िया। क्या दिख रहा है? वुल्फ मीन्स भेड़िया। इस तरीके का होता है भेड़िया। देखिए इसकी पिक्चर, इस तरीके का होता है भेड़िया, WOLF, वुल्फ मीन्स भेड़िया। इसके बाद है, ये जो पिक्चर दिख रही है किसकी दिख रही है? डॉग। इस तरीके का एनिमल होता है डॉग, DOG, डॉग। डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता। ये कौन सी पिक्चर दिख रही है? डॉग की, और डॉग की स्पेलिंग होती है DOG, डॉग, और डॉग को क्या बोलते हैं? कुत्ता। इसके बाद देखिए ये जो पिक्चर दिख रही है वो एलिफेंट मीन्स हाथी। इस तरीके का होता है ये, तो आपने सभी ने देखा है हाथी को अधिकतर। वैसे ये जंगल में रहता है लेकिन बहुत टाइम ये अपने शहर या गांव में भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके का ये जो पिक्चर है वो क्या है? एलिफेंट की है ना, यानी कि हाथी की, ELEPHANT, एलिफेंट मीन्स हाथी। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो पिक्चर है वो किसकी है? टाइगर, टाइगर की है ना, जिससे क्या होता है हम सभी बहुत डरते हैं टाइगर से। और ये तो ये किस तरीके का होता है टाइगर? इस तरीके का होता है टाइगर, है ना। इसकी स्पेलिंग क्या है? TIGER, टाइगर। टाइगर मीन्स बाघ होता है। इसके बाद चार्ट में आप नेक्स्ट पिक्चर देखिए, यहाँ पर जो दिख रही है किसकी पिक्चर दिख रही है? काऊ। ये वाला जो काऊ होती है इसको तो सभी ने देखा होगा, क्योंकि अधिकतर ये हमें गांव वगैरह या शहर में भी हम रोड में कहीं जाते हैं निकलते तो वहाँ चलते फिरते दिखती है। तो काऊ सभी ने देखा और इसका पता भी कि ये एक पैट एनिमल है और ये सभी के है ना, बहुत इससे हमें जो मिल्क मिलता है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो ये किसकी पिक्चर है? काऊ की, COW, काऊ। काऊ मीन्स गाय। इसके बाद देखिए ये है लेपर्ड मीन्स चीता, चीता है ना, ये किसकी पिक्चर दिख रही है? चीता। इसको क्या बोलते हैं? लेपर्ड, LEOPARD, लेपर्ड मीन्स चीता। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग जब चिड़ियाघर देखने जाते होंगे, अपने यहाँ पर भी जो वन विहार है उसमें भी बहुत सारे डियर देखने को मिलते हैं, हिरण देखने को मिलते हैं। आप चाहें तो आप वहाँ जाकर भी, वन विहार जाकर भी हिरण को देख सकते हैं, डियर को देख सकते हैं। DEER, डियर मीन्स हिरण, है ना बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है जेब्रा। जेब्रा देखिए इस तरीके का दिखता है, है ना, ये क्या है? जेब्रा। इसके बाद देखिए ये है हॉर्स। ये सभी किसी ने देखा होगा, बहुत सारे जैसे जो मैरिज होती हैं, मतलब शादियां होती हैं, तो उसमें देखने को मिलता है हॉर्स मीन्स घोड़ा। और कोई अधिकतर लोग, मतलब कुछ लोग पालते भी हैं इसको, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलती है पिक्चर की किसकी, ये पिक्चर किसकी है? हॉर्स की, HORSE, हॉर्स मीन्स घोड़ा। इसके बाद देखिए यहाँ पे है ऑक्स मीन्स बेल। तो ये भी आपने ये भी देखा होगा, क्योंकि गांव में भी बहुत सारे मतलब ऐसे देखें तो रियलिटी में बैल देखने को मिलते हैं, ऑक्स देखने को मिलते हैं, OX, ऑक्स मीन्स बेल। इसके बाद ये मंकी, मंकी मीन्स होता है बंदर। तो ये भी आपने देखा होगा, मंकी को भी देखा होगा, बहुत टाइम जब गांव में मदारी आते हैं तो उनके पास ही मंकी होता है। वैसे ये जंगल में रहते हैं अधिकतर, लेकिन हम इनको कहाँ देख पाते हैं, कभी कभी हम ये गांव में भी देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है? मंकी मीन्स बंदर, MONKEY, मंकी मीन्स बंदर। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो लंबी गर्दन वाला होता है इसको क्या बोलते हैं? जिराफ। जिराफ को जिराफ ही बोलते हैं, GIRAFFE, जिराफ मीन्स जिराफी होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये वाली जो पिक्चर दिख रही है रैबिट मीन्स खरगोश की। किसकी दिख रही है? रैबिट
मीन्स खरगोश, ये भी आपने देखा होगा, इसको भी बहुत सारे लोग पालते हैं, RAVVIT रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिख रहा है शिप मीन्स भेड़, जिससे हमें क्या मिलता है, ऊन मिलता है, भेड़ से क्या मिलता है हमें, ऊन मिलता है। शिप मीन्स भेड़, SHEEP शिप मीन्स भेड़। इसके बाद ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, किसकी दिख रही है, ये पिग मीन्स सुअर की। तो ये भी आपने देखा होगा, जब आप कभी कहीं मार्केट भोपाल कहीं जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर पिग, PIG पिग, पिग मीन्स क्या होता है, सुअर होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको क्या दिख रहा है, कंगारू, यहाँ पर क्या दिख रहा है, कंगारू, इसको क्या बोलते हैं, कंगारू, KANGAROO कंगारू, कंगारू को हम कंगारू बोलते हैं। और ये अपने बच्चों को बिल्कुल अपने पास में रखती हैं, है ना। देखिए यहाँ पर इसका कंगारू का बच्चा भी दिख रहा है, इनके पास एक जैसे इनकी बॉडी में ही एक इस तरीके की संरचना होती है, झोले जैसा होता है, उसमें ये अपने बच्चे को साथ लेकर कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये देखिए, ये वाला एनिमल क्या कहलाता है, कंगारू, इसको कंगारू ही बोलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर याक, है ना, सुरा गाय बोलते हैं इसको, ये है ना, जंगल में रहती है, याक मीन सुरा गाय, YAK याक मीन सुरा गाय। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो पिक्चर है वो है, किसकी दिख रही है, आप पहचान जाएंगे ये किस पिक्चर किसकी है, कैट, CAT कैट मीन्स बिल्ली की पिक्चर है ना बेटा। और ये भी आपको देखने में मिलती है, क्योंकि आपके घरों में इनका आना जाना लगा रहता है, ये पड़ोस वाले घर से अपने घर में आती है, अपने घर से पड़ोस वाले घर में जाती है, तो इस तरीके से आपने इनको देखा हो, बहुत सारे लोग तो घरों में इनको पालते भी हैं। तो ये क्या है, कैट की पिक्चर है। इसके बाद ये है कैमल, है ना, कैमल मीन्स क्या होता है, ऊँट होता है, CAMEL कैमल मीन्स ऊँट होता है। तो ये कहाँ अधिकतर मिलते हैं हमें, कहाँ मिलते हैं, रेगिस्तान को में देखने को मिलते हैं ये अधिकतर, है ना बेटा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमें इधर अपने गांव वगैरह में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये वहाँ से इधर में आते हैं चरने के लिए, इनके चरवा जो साथ रहने वाले होते हैं तो वहाँ से इनको लेकर आते हैं। तो ये आपको गांव में भी बेसिकली देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी ये इनको इधर में लेकर आते हैं तो आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, कैमल। तो इस तरीके से, और लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या दिख रही है, बफेलो, बफेलो मीन्स क्या होता है, भैंसा होता है ना, BUFFALO बफेलो। तो ये लास्ट जो पिक्चर दिख रही है आपको, किसकी दिख रही है, बफेलो की, बफेलो मीन्स भैंसा, ये भी आपने देखा है, इसको भी घर में पालते हैं भैंस, इसको तो आपने देखा होगा। तो इस तरीके से जो जानवरों का जो चार्ट था, एनिमल्स जो चार्ट था, उसमें जो जानवर होते हैं जैसे वुल्फ, डॉग, एलिफेंट, लेपर्ड, डियर, जेब्रा, मंकी, रैबिट, जिराफ, शेप, कैमल, पिग, कैट, कंगारू, इस तरीके से जो सारे इसमें जो एनिमल्स हैं इस चार्ट में क्या है, आपको सब देखने को यहाँ पर मिला है, पैट एनिमल, वाइल्ड एनिमल, इस तरीके से दोनों मिक्स एनिमल्स का चार्ट है ये। तो किस तरीके से ये एनिमल्स दिखते हैं, इनकी पिक्चर के पिक्चर देखकर हम ध्यान रख सकते हैं कि एनिमल इस तरीके के दिखते हैं, और साथ में उनके आपने हिंदी इंग्लिश नेम और स्पेलिंग भी सीखी है। तो आपको इस तरीके से घर पे एनिमल्स नेम लर्न करना है, और साथ में उनकी स्पेलिंग भी और इनकी हिंदी इंग्लिश नेम भी। थैंक यू।